बुआ हो या बबुआ, भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता, कोई कहीं और जगह रह रहा होता और प्रदेश की जनता और देश की जनता भूखों मर रही होती, उपचार के भाव में मर रही होती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने संकट के समय छोड़ा नहीं और बार बार आकर के सबका ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक नारा दिया था, सेवा ही संगठन है। एक एक विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए उमड़ा था और जनता की सेवा के लिए उमड़ा हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इसीलिए जन विश्वास यात्रा के साथ जनता जनार्दन की सेवा में आया है। एक तरफ विकास के कार्य मजबूती के साथ जनता जनार्दन को उपलब्ध होते हैं, अच्छी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा, किसी को मकान, किसी को शौचालय, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी को अन्य सुविधा का लाभ प्राप्त होता ही है। दूसरी तरफ अगर कोई पेशेवर माफिया किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता है तो वहां पर सरकार का बुलडोजर भी तैयार रहता है। भाइयों बहनों, यही तो पीड़ा है विपक्षी नेताओं को। जब कोई गरीब अन्न के लिए भटकता था तब सपा और बसपा कांग्रेस के नेताओं को तब पीड़ा नहीं होती थी। जब नौजवान की नौकरी छीनी जाती थी पिछली सरकारों में तब इनको पीड़ा नहीं होती थी। जब महिलाओं और बेटियों को के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता था तब इन्हें पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। इनको पीड़ा कब होती है? जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। इनको पीड़ा कब होती है? जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनता है। और इनको पीड़ा तब होती है जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ती है। भाइयों बहनों, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, श्रावस्ती में एयरपोर्ट, ये विकास की नई कहानी कह रहा है। और विकास की नई कहानी आज यहां की सड़कें चलने लायक बन गई है। नहीं तो मुझे आता ना पाना पड़ता था। देवीपाटन मंदिर में मैं अक्सर आता था और गोंडा से देवीपाटन पहुंचने मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप 45 मिनट में इस दूरी को तय कर सकते हैं। यह है कार्य में अंतर। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, मंचस्थ हमारे जितने भी माननीय मंत्री और सांसद विधायकों ने आपसे अपील की होगी, अपने अपने उपलब्धियों के बारे में कहा होगा, हरेक ने अपने स्तर पर मेहनत किया है। सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है। आज आतंकवादी घुसपैठ करके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आज वे आकर के सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका दुस्साहस का अर्थ क्या होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है, विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक राज्य बनने की ओर अग्रसर है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभी लोग वोट देंगे? पीछे भी है, सड़क पर बहुत बड़ी संख्या खड़ी है, सभी लोग हाथ उठा करके मुझे बताइए एक बार। पीछे हाईवे पर भी, मैं वहां भी देख रहा हूं, हाईवे पर भी भारी संख्या खड़ी है। सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत